किनारे खड़ी महिलाओं के इशारे करती हुई आंखों को देखकर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है। रफ्तार धीमी होते ही गाड़ियों के करीब सजी धजी महिलाएं पहुंचने लगती हैं और साथ चलने की बात करने लगती हैं। एक गाड़ी से हटती है तो दूसरी चली आती है और फिर सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं पसंद नहीं हूँ, कितनी उम्र की चाहिए, ऐसे सवालों और हुस्न की नुमाइंदगी से ये महिलाएं ग्राहकों को उलझाती हैं। अफीम की खेती के लिए मशहूर नीमच जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर हाईवे पर कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। हाईवे किनारे रहने वाले कुछ परिवारों की महिलाएं जिस्म फरोशी में लिप्त हैं। ये उनका परंपरागत पेशा है जिसे आज भी उन्हें छुटकारा नहीं मिला है। हालांकि प्रशासन के लोग इसमें कमी की बात करते हैं, लेकिन स्थिति आज भी ज्यादा नहीं बदली है। हाईवे के किनारे ही इनका गांव है। सरेआम ये तैयार होकर सड़क किनारे खड़े रहती हैं। इनके गांव के सामने जैसे ही लोगों की गाड़ियां रुकती हैं, ये उनसे सौदा करने पहुंच जाती हैं। कई बार इनके घर के पुरुष भी इनके लिए ग्राहक ढूंढने आते हैं। इस समाज के लोग इसे परंपरागत पेशा मानते हैं। वहीं कुछ गैर सरकारी संगठन के लोग इन्हें लगातार मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बदलाव तो दिखा है, लेकिन आज भी इस समाज में बदलाव की बहुत जरूरत है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।